में बांध करके कहीं आप घर में ही ऐसी जगह साल में दो बार बदल दीजिएगा, एक बार मकर संक्रांति को बदलना है, एक बार दिवाली के अमावस्या को बदलना है, आनंद ही आनंद हो जाएगा। कपड़े में रक्त कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़ा ले लें और इसको कुछ समय के लिए हर त्रयोदशी को, जिसको प्रदोष की तिथि बोलते हैं, उसको एक लोटे में, तांबे के लोटे में सब रख के आम के पत्ते से ऐसे छींटे लगा दीजिए पूरे घर में, कोई अलाय बलाय नहीं रहेगी। और एक बात और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अपने पूजा के घर में मोर पंख रखिए, जिस घर में मोर पंख होता है उस घर में भी वास्तु दोष नहीं रहता। ये मैं इतनी सी बात है इसलिए बता रहा हूँ, लोग थोड़ा फोड़ी में लगे हो, इतना थोड़ा फोड़ी करते हैं, वास्तु शास्त्रियों ने पता नहीं क्या क्या बता दिया है। ये मोर पंख है, और आप जानते हैं जब भगवान बैठाया जाता है सिंहासन, वहां झाड़ू नहीं लगाया जाता, वहां मोर पंख से हिसाब किया जाता है। मोर पंख का एक झाड़ू टाइप का बनता है, उसमें बहुत होते हैं, इतने से तो होते ही हैं उसमें मोर पंख, फिर उस झाड़ू टाइप से उसको यूं ऐसे यूं साफ करते हैं। एक बात और निवेदन करूंगा, जो आपने अपने मंदिर में जो मोर पंख रखा है ना, कभी आपने खाटू श्याम देखा हो, कभी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस मोर पंख से उनको थोड़ा ऐसे यूं करके सिर पर उसको लगा के, बच्चे स्वस्थ होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मानसिक विकार नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई में उनका अद्भुत मन लगेगा। पति भी ऑफिस के लिए जाता है, कभी उसके सिर के ऊपर ऐसे छुआ दें, बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। ग्रंथ में इसका बहुत ज्यादा वर्णन है, वास्तु शास्त्र में इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। चांदी की कुछ चीजें और बनवा सकें तो देख लीजिए, पद्म, पद्म कहते हैं कमल का फूल, चांदी का बनवा लीजिए, पद्म बनवाएं, और चांदी का कोई सिंहासन, बहुत ज्यादा नहीं तो एक सिंहासन चांदी का बनवा लीजिए, और उसके ऊपर छत्र। ये घर में इन चीजों से वास्तु दोष नहीं रहते वो मैं बता रहा हूँ। चांदी की सुपारी, चांदी का नारियल, चांदी की गोमाता, चांदी की खड़ाऊं, और चांदी की स्वस्ति जिसको सांथिया बोलते हैं, चांदी के नंदीश्वर महाराज, यह भी चीजें आप अपनी पूजा की जगह पर रख सकते हैं, जिसकी वजह से घर में 1% भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह सकता, रहेगा ही नहीं। एक चीज और मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम है कछुआ, कूर्म, कच्छप, वो भी एक चांदी का बना लीजिएगा। जिस घर में रामायण के 9 पाठ अखंड हो गए हों, उस घर में भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। तो धीमे धीमे करके 9 पाठ कर दीजिए रामायण के, अखंड पाठ पूरा, बालकांड से लेकर के लास्ट उत्तरकांड तक, ये 9 आवृत्तियां हो जाए घर में, उसमें दिया जलाया जाएगा, शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर हनुमंत लाल जी की प्रतिमा रखिएगा, और फिर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, और आप रामायण के 9 पाठ वास्तुदेव को सुना दें। अपने घर में कलश भी भर लीजिएगा, दिया जला लीजिएगा, एक अभी सुना दो, एक फिर कभी मौका मिल जाए तब सुना दो, फिर एक तब सुना दो, तब सुना दो। जिन घरों में ये 9 बार पाठ हो जाए रामायण का, सत्य यही है, घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। वास्तु के कुछ शकुन और होते हैं, सब दो से ही मन समझ लीजिएगा, कुछ शकुन भी होते हैं। वास्तु के शकुन क्या हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ एक श्लोक बोल के, क्योंकि जब कोई श्लोक बोल दिया जाता है तो आनंद आ जाता है। क्या लिखा है, गैया, ब्राह्मण, हाथी, कन्या, रानी, शंख, बांसुरी। आपको नए ग्रह का प्रवेश करते समय इनमें से कोई भी दिखाई दे जाए, उस समय छोटी कन्या दिखाई दे जाए, गैया आ जाए दरवाजे पर, ब्राह्मण लोग आ जाए बिना बुलाए, वो पूजा के लिए तो बुलाए वो तो है ही, लेकिन कोई बिना बुलाए ब्राह्मण उस समय अचानक आ जाए, हाथी ने दिखाई दे दे, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या दिखाई दे जाए, या कोई स्त्री अपनी छाती से किसी बच्चे को लगाए हुए दिखाई दे जाए, किसी के हाथ में शंख दिखाई दे जाए, बांसुरी दिखाई दे जाए, या बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि ऐसा घर आपके लिए किसी बैकुंठ से कम नहीं है। उस समय जिस समय आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, उस समय इतनी सी चीजें दिखाई दे जाए। लाओ मैं श्लोक बोले देता हूँ, लिखा है, गो विप्र रथ नागंड कन्या निप वर स्त्रिय शंख दुंदवी वशानाम तथा गीत सचध्वनि आविर्भवत यदि अस्मिन् हन्यमाने प्रभस्तदा सततम सुखमाप्नोति शांतश्च यशोवर्धते।
ग्रह प्रवेश के समय पर इतनी चीजें नजर आ गई हैं, दिखाई दे गई हैं, तो वह घर हमेशा सुख देगा। उस घर में रहने वाले लोग लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, लंबी आयु जिंदगी जी के जाएंगे। उस घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी।